जी नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पर और यहाँ पे अभ्यर्थी है। मैं इन लोगों से बात करूँगा किस टाइप का क्वेश्चन आया था, कैसे तैयारी किए थे और कैसे तैयारी करना चाहिए आपको, और बारीकी से सारा चीज़ जानेंगे। तो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ। सर आप कहाँ से हैं? रक्सौल से। तो मुजफ्फरपुर सेंटर चूज किए थे क्या? जी मुजफ्फरपुर चूज किए थे। अच्छा, तो यहाँ पहले आओ पहले पाओ वाली प्रतियोगिता थी। अच्छा, इसलिए पहले आपने फॉर्म भरा? जी। अच्छा, तो आज एग्ज़ाम कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया। किस टाइप का क्वेश्चन था? कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन था सब। कॉन्सेप्ट बेस्ड था? जी। अच्छा, जो डिप्लोमा या थिंकिंग सोच पे आधारित तो नहीं था? नहीं, वही थिंकिंग सोच पे ही आधारित था। अच्छा, जो कंटेंट होता है, क्या कंटेंट से क्वेश्चन आया था या नहीं? कंटेंट से भी क्वेश्चन आया था, सब कुछ मिक्सिंग रहता है। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन सब इजी ही रहता है, ठीक है ना। उसमें आप जितना पेशेंस रख पाएंगे उतना बेहतर बनता चला जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा भूमिका रहता है पेशेंस रखिए, आपका क्वेश्चन बनेगा। सीडीपी से किस टाइप का क्वेश्चन था? वाइगोस्की से था, कोई मनोवैज्ञानिक जो वाइगोस्की थे, पियाजे से भी था, चोमोस्की भी एक क्वेश्चन था। अच्छा, कोलबर्ग से भी था, यही सब चोमोस्की वाइगोस्की सबसे क्वेश्चन था। क्वेश्चन था जी। और उसके बाद मैथ किस टाइप से, इजी था या ज्यादा हार्ड भी था? हाँ, इजी था, मैथ भी इजी था जी। पेडागोजी किस टाइप का था? मैथ पेडागोजी भी वही कॉन्सेप्ट बेसिस था। अच्छा, कंटेंट किस टाइप का? पढ़े हैं सचिन चौधरी का नोट्स। अच्छा, वो क्रैक कर देंगे। सचिन सर का फैन है क्या सर आप? नहीं, फैन नहीं है, मतलब उनके माध्यम से ऑनलाइन हम लोग तैयारी किए हैं। अच्छा, हाँ, उनका नोट्स वोट्स भी ले रखे थे, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा जी। तो और टीचर है, क्यों नहीं उनको आप पसंद किए कि यूट्यूब पे? अब देखें, अब जैसे हिमांशी सिंह है तो उनका इंग्लिश में आता है। अच्छा, हम लोगों का ये लैंग्वेज हिंदी मीडियम है, इसलिए उनका चैनल जो है पूरे मतलब भारत लेवल पे आगे भी है ना, इसीलिए वो इंग्लिश नहीं रखेंगे। आगे या कंटेंट हुआ उस तरह का नहीं देते तो क्या आप पढ़ लेते? नहीं, मतलब उनका जो है मतलब रहता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहता है। हिमांशी मैडम का भी हम लोग भी देखे हैं, सचिन सर का भी देखे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश थोड़ा होता है क्या, जैसे कि हिंदी में आप कभी कभी फंस जाइएगा। अच्छा, तो इंग्लिश में आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो ये जरूरी है। इंग्लिश कॉन्सेप्ट देते हैं बट हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। देखिए, हम ये नहीं है जो मतलब बट हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे गलत नहीं, गलत क्यों बोलिएगा, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग है एकदम। लेकिन जो सच्चाई है ये कि सबसे अधिक वीडियो आप किनका देखे हुए सो बताइए? सचिन सर का देखे। आप किनका देखे हुए? हिमांशी मैडम का देखे। हिमांशी मैडम, इसलिए ये बोल रहे हैं। हिमांशी मैम अच्छे लगते हैं? अच्छे ने, उनका पढ़ाई सब कुछ अच्छा है, टीचिंग स्किल बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत बेहतर है। चलिए, तो देखिए यहाँ दोनों लोगों का मतलब अपना फैन है जो एक दूसरे के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रशंसा करना जाहिर है कि यूट्यूब पे हमको भी लगता है कि दो तीन ऐसे इंस्टीट्यूट है या जो पढ़ाते हैं सर वही बेहतर है, वही से आप लोग भी तैयारी करिए। और आप अगले भविष्य जो अगला अटेम्प्ट में करने वाला होगा उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनको भी यही संदेश दिया जाए कि वो भी कॉन्सेप्ट बेसिस पढ़े, अपना पढ़ाई करे। अच्छा, और फ्यूचर में यूट्यूब पर पढ़ना हो तो व्यक्ति पढ़ेगा तो पढ़ना पास करेगा शिक्षक के लिए। अब अपना अपना, सचिन सर है, हाँ, सभी जगह से ले सकते हैं भैया, आप ऐसा नहीं कि नहीं एक को मतलब फॉलो कीजिए, सभी को फॉलो करके और सभी जगह से आप ज्ञान अर्जित कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। इसको जहाँ ठीक है, हम लोग लोकल में भी क्लास किए हैं जिनका नाम सौरभ कुमार है, ठीक है, उनसे भी प्रथम बार उनसे ही क्लास में किया था। अच्छा, उन्हीं का सारा नोट था मेरे पास, फिर हिमांशी मैडम का किया, और 10 साल पीछे का 11 का से लेकर अभी तक का टोटल मैंने पढ़ा। अच्छा, बेहतर पेपर अभी तो फर्स्ट का गया है। चलिए, इस बार क्वालिफाई हो जाएगा? सीओर क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए? मतलब जनरल लोगों को मतलब 90 नंबर आना चाहिए और एससी और ओबीसी को 82 नंबर आना चाहिए। यानी आप पास करिएगा या अच्छा रिजल्ट लाइएगा? कोशिश तो है अच्छा बनना है, 100+ जाए। श्योर है। तो आपने देख लिया यहाँ पे अभ्यर्थी लोग थे, मैं पूरा पेपर का एनालिसिस तो नहीं कर सका क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है, फिर नेक्स्ट इन लोगों को जाने का समय भी हो गया है। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ धन्यवाद।